किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि आप जो भी फसल करते हैं उसकी नर्सरी अगर आप तैयार कर रहे हैं, पौधशाला तैयार कर रहे हैं, तो उसको उन्नत विधि से करें, उन्नत तकनीकी से करें, जिससे कि आपका पौधशाला बहुत अच्छे से तैयार हो सके, आपका पौधा पूरी तरह से स्वस्थ तैयार हो, जिसकी वजह से आपके फसल बहुत अच्छी हो और उत्पादन ज़्यादा अच्छा हो सके और ग्रोथ पौधों की बहुत अच्छी हो सके। किसान भाइयों, आपके पौधा जैसा तैयार होगा उसी तरह हिसाब से उसमें रोग कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, ये सब डिपेंड करता है आपकी नर्सरी से। 70% आपका रोग आपकी पौधशाला से जो है शुरुआत होता है और वो बाद में उसका असर दिखता है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप पौधशाला तैयार करते हैं तो पौधशाला हेतु स्थान का चुनाव करना है तो उसके लिए विशेष बातों का ध्यान रखें। पौधशाला या नर्सरी हमेशा ऊँचे स्थान पर तैयार करें जिसमें पानी ना भर सके तथा उसका उचित जल निकास हो सके। नर्सरी के नज़दीक छायादार वृक्ष नहीं होने चाहिए। नर्सरी की भूमि बलुई दोमट व पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। नर्सरी का स्थान पानी के स्रोत के नज़दीक होना चाहिए। क्यारियां तैयार करना, किसान भाइयों क्यारियां बनाने के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी भुरभुरी बना लें तथा इसमें कंकड़ पत्थर व खरपतवार एकत्रित कर निकाल दें। इसमें 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर का खाद मिला दें। अब खेत को समतल कर इसमें क्यारियां बना लें। क्यारियां मौसम व फसल के अनुसार बनाते हैं। खरीफ के लिए ऊंची उठी हुई क्यारियां, लेकिन गर्मियों व सर्दियों में लगभग समतल क्यारियां बनाते हैं। क्यारियों को 1 मीटर चौड़ा बनाना चाहिए तथा उनकी लंबाई आवश्यकता अनुसार रखी जा सकती है, जैसे कि 1 एकड़ के लिए 1 मीटर चौड़ा 3 मीटर लंबा, अगर 2 एकड़ है तो 1 मीटर चौड़ा 6 मीटर लंबा। इस तरह से प्रति एकड़ के हिसाब से 3 मीटर की लंबाई बढ़ाते जाएंगे, चौड़ाई 1 ही मीटर रहेगी। वर्षा के मौसम में क्यारियां जमीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी होनी चाहिए। 2 क्यारियों के बीच 30 से 40 सेंटीमीटर का स्थान जो है उस दूरी रखनी चाहिए। किसान भाइयों, बीज बुआई के लिए आप महत्वपूर्ण बातें ध्यान से सुने, समझें इस बात को कि क्यारियां बनाने के बाद उसमें बीज की बुआई करें। बीज बुआई करने से पहले उसे फफूंदी नाशक दवाओं से जैसे कैप्टॉन थायरम कार्बेंडाजिम ट्राइकोडर्मा विरेट ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम वर्डिसिलियम सोडोमोनास ऐसी फफूंदी नाशक दवाओं से आप बीज को 2 ग्राम से लेकर 5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बीज को शोधन करें। और अगर सूत्रकृमि की समस्या है, नेमाटोड की समस्या है, तो 8 से 10 ग्राम कार्बिफ्यूरान 3 जो है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं। क्यारियां बनाने के बाद उसमें बीज की बुआई छिड़क कर या पंक्तियों में 5 सेंटीमीटर की लाइन बना करके अंतराल पर 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर उसकी बुआई करें। सिंचाई के लिए आप ये जान समझ सकें कि समझिए किसान भाइयों कि बुआई के बाद गोबर खाद या मिट्टी का बारी एक छना हुआ गोबर की खाद हो उसमें जो है उसको एक पतली परत से ढक दें। उस जो बीज आपने डाला है उसको पतली परत से ढक दें तथा झारे या फिर हजारे से जो है सिंचाई करें। बीज का अंकुरण होते ही कैप्टॉन के 0.2% घोल से क्यारियों का उपचार करें। क्यारियों में पौध स्थानांतरित होने तक निरंतर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। क्यारियों में से खरपतवार व अवांछनीय पौधों को हटाते रहें। पौधों को तेज धूप व गर्मी से बचाने के लिए शेड नेट का उपयोग करें। पौधों को कीटों व रोगों से बचाने के लिए समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहना चाहिए। किसान भाइयों जब पौध स्थानांतरण की बात आती है तो उसमें कुछ चीज़ें आपको महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती हैं, जैसे कि पौध जब 4 से 5 सप्ताह के हो जाएं अथवा उनकी ऊंचाई 12 से 15 सेंटीमीटर की हो जाए तब उन्हें खेत से दूसरी जगह जो है स्थानांतरित करने से 3-4 दिन पूर्व क्यारियों में पानी देना बंद कर दें तथा स्थानांतरण वाले दिन सिंचाई करके शाम के समय पौधों की को क्यारियाँ से निकाल कर डाइथेन M45 0.2% तथा वाविस्टीन 0.05% के घोल में डुबो कर रोपाई करें। रोपाई के तुरंत बाद खेत की सिंचाई कर दें। नर्सरी में बीज के बुआई के 15वें दिन से हर 5 दिन के अंतर पर मल्टीप्लायर 15 ग्राम की प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर किसी कीटनाशक या रोगनाशक या फंगिसाइड के साथ स्प्रे करें। वर्तमान में सब्जियों की खेती किसान भाइयों के लिए वरदान साबित हो रही है।
इसमें किसान कम पूंजी लगाकर अधिक से अधिक आय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी, प्याज, सलाद आदि के बीज खेत में बोने से उगते नहीं वह कीमती बीजों का नुकसान हो सकता है अथवा कम सफलता मिलती है। अतः ऐसी सब्जियों को पहले पौधशाला में उगाकर उनकी पौध तैयार की जाती है, फिर उचित समय आने पर उन्हें खेतों में स्थानांतरित किया जाता है। सब्जियों की खेती के लिए पौधशाला या नर्सरी में पौध तैयार करना एक कला है। इसे अच्छी तरह से तैयार करने के लिए तकनीकी जानकारी का होना आवश्यक है। सब्जियों की नर्सरी को मौसम और बेमौसम की दशाओं में सफलतापूर्वक तैयार करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी अपना कर किसान अच्छी खेती कर सकते हैं। अगर किसान भाई बैंगन, मिर्च, टमाटर, गोभी की नर्सरी डालना चाहते हैं तो उनके लिए यह अच्छा समय है। किसान भाइयों, सब्जियों की नर्सरी तैयार करने का समय जो होता है वो लगभग मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टमाटर की जो नर्सरी होती है वो जनवरी से फरवरी माह, फिर जून से जुलाई माह, फिर नवंबर से दिसंबर माह सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर दूसरा बैंगन के लिए बसंत में ग्रीष्मकालीन, फिर अक्टूबर ग्रीष्म वर्षाकालीन के लिए, मार्च शिविर वसंत अक्टूबर के शुरू में, पतझड़ शिविरकालीन जून, मिर्च ग्रीष्मकालीन से नवंबर तक, वर्षाकालीन से लेकर अप्रैल मई, फूलगोभी अगेती के लिए मई जून, मध्यकालीन जुलाई अगस्त, फिर पछेती फसल के लिए अक्टूबर नवंबर, फिर बंद गोभी के लिए अगेती फसल में अगस्त सितंबर, पछेती फसल के लिए सितंबर अक्टूबर, और गांठ गोभी अगेती के लिए मध्य अगस्त, पछेती के लिए अक्टूबर नवंबर, प्याज अक्टूबर नवंबर, और फिर इधर आप खरीफ मई के आखिरी जून में आप कर सकते हैं। इस तरह से आप, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, या फिर कोई समस्या आती है तो मेरे वीडियो में दिए गए मेरे नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे पास मल्टीप्लायर, मैं मीडियम हूँ और मीडियम होने के नाते मैं मल्टीप्लायर के बारे में आपको हर वीडियो में थोड़ा बहुत ज़रूर बताता हूँ। आप मल्टीप्लायर